अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। उम्मे फैज़ान व्लॉग्स में आप सबको वेलकम है। आज मैं आपके साथ रशियन सैलड की बहुत ही आसान और मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। चलें पढ़ लेते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। और इधर मेरे पास सारी ही चीज़ें बॉयल हैं। एक बाउल मैंने जो फुल है मैक्रोनी का ले लिया जो बॉयल है, और दूसरा सब्जियों का। सब्जियों में आलू, मटर और गाजरे हैं, इनको मैंने बॉयल कर लिया था। और साथ ही मैंने सुरख लोबिया और जो स्वीट कॉर्न होते हैं वो भी डाल दिया। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चीज़ें ऐड कर सकते हैं। मैं 8 बंदों की ये सैलड रेडी कर रही हूँ, आप अपनी मर्ज़ी से क्वान्टिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छा, इधर मैंने ले लिया है 1/2 कप क्रीम का, ये बिल्कुल चिल्ड है। और 3 टेबलस्पून जो मैंने मेयोनीज़ के डाल लिए हैं, इसमें 1 टेबलस्पून इसमें टमाटो केचप का जाएगा। और 1/2 टेबलस्पून जो है इसमें मैं डाल रही हूँ सराचा सॉस का। नमक जाएगा, मैंने 1/2 टीस्पून ऐड किया, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और उसके बाद मैंने इसमें 1 टेबलस्पून शुगर ऐड कर दी है, और 1/2 टीस्पून ही इसमें मैंने ब्लैक पेपर ऐड कर दी है, क्योंकि सराचा सॉस जो मैंने ऐड किया है वो भी स्पाइसी है। बस सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये हो जाएगी रेडी ज़बरदस्त किस्म की ड्रेसिंग। इससे ना हमारी रशियन सैलड का टेक्सचर ख़राब होगा, ना ही कलर डार्क होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी रशियन सैलड भी एकदम टाइट रहे, तो इस तरह से बनाकर डालें, इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। सैलड को लो फैट बनाने और हेल्थी करने के लिए मैंने क्रीम की मिकदार कम रखी है, और स्टेज में मैंने 1 टेबलस्पून इसमें दही ऐड कर दिया है, जिसमें पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। दही को भी डालकर अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। तो ये जी 3-4 मिनट में हमारी रशियन सैलड अच्छे से रेडी हो जाएगी, जो रमज़ान के लिए बहुत बेस्ट है, दावत वगैरह के लिए भी आइडियल डिश है और बच्चों की मोस्ट फेवरेट होती है। चलें जी, इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कब करेंगे, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। और साथ ही मज़ेदार रेसिपी देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।